तो व्यूअर्स, आज की जो लैब होगी उसमें आपको स्टार्टिंग में मैं यूपीएन का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। यूपीएन आपका यूजर प्रिंसिपल नेम है, और अगर आप साइन इन करते हो चाइल्ड लेवल पे या आप ट्री लेवल पे, आप सेम फॉरेस्ट से बिलोंग करते हो, एक ही फॉरेस्ट के अंदर आपके चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, उसका ग्रैंड चाइल्ड है, उस चाइल्ड के आगे फर्दर उसका चाइल्ड है, तो आप एज ए यूपीएन आपको फैसिलिटेट करता है कि आप एक सिंपल वे ऑफ ऑथेंटिकेशन यूज कर लो, जिसमें आपका सुफिक्स वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, सुफिक्स वैल्यू को आप अपने हिसाब से कॉन्फिगर कर सकते हो। कैसे करोगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में आपने डोमेन इंटरेस्ट, डोमेन इंटरेस्ट के अंदर आप टॉप ऑफ द नोड ये यूपीएन यहां से आप ऑन कर सकते हो। जस्ट राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, और प्रॉपर्टीज में ऑल्टरनेटिव यूपीएन सुफिक्सेस, जो आपके सुफिक्सेस हैं वो दे सकते हो। एक ये मोर देन वन भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टोसो डॉट नेट, कॉन्टोसो डॉट ओ आर जी, कॉन्टोसो डॉट कॉम। हमारा एक्चुअल क्या है इस वक्त, जो आपका डोमेन है कॉन्टोसो डॉट लोकल, ये हमारे पास ऑल्टरनेट यूपीएन सुफिक्सेस आ गए। और ये अगर आप ऊपर इसका टेक्स्ट पढ़ो तो वहां से आपको वेल इन्फॉर्म इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दी नेम्स ऑफ द करंट डोमेन एंड द रूट डोमेन आर द डिफॉल्ट यूजर प्रिंसिपल नेम सुफिक्सेस। Adding alternate domain name provides additional logon security and simplifies user logon names. कैसे, अभी आपको दिखाता हूं। ये हमने ऐड कर दिए, अप्लाई कर दिए, ये आपको यहां पे मैंने कर दिया। एक एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ये मेरी रिकॉर्डिंग है, इसको मैं आप लोगों के लिए कर रहा था, तो इसको मैं जरा क्लोज कर दूं ताकि मैं आपके साथ एड्रेस कर सकूं। नहीं जी, अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे यूपीएन जो है वो क्रिएट कर दिए, ऑल्टरनेट वर्जन हमने क्रिएट कर दिए। अब हमने अगला काम क्या करना है, नेक्स्ट हमारी जो इसमें होगी पार्ट सेगमेंट जो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यूजर एंड कंप्यूटर में जाएं, और यूजर एंड कंप्यूटर में अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट, जिस तरह वो कंफर्टेबल फील करता है उसको सेट कर दिया जाएगा। यहां से ये देखिएगा, स्टाफ में मेरा आईडी पड़ा हुआ है, या चले हेल्प डेस्क में, ये हमारे पास मुजाहिद तबस्सुम का आईडी पड़ा हुआ है, इस पे डबल क्लिक करते हैं, इसके अकाउंट में जाते हैं, और अकाउंट में मैं यहाँ पे मुजाहिद के यूजर लॉग ऑन नेम के साथ ये आपको अवेलेबल हो गया। अब हमारे जो यूजर हैं मुजाहिद साहब, वो कह रहे हैं सर ये लोकल के बजाय क्या मैं अगर गलती से डॉट कॉम टाइप, मेरी रूटीन है डॉट कॉम, तो ठीक है कोई मसला नहीं, इसको ऑन कर दो, अप्लाई। ये ऑल्टरनेट आपके सुफिक्सेस आपके क्रिएट हो चुके, आप जिसको जिसके साथ कनेक्ट करोगे नेक्स्ट टाइम उसी के साथ लॉग ऑन आप कर सकोगे। फॉर इंस्टेंस हम यहां पे जाते हैं और यहां पे साइन इन करते हैं, और आपकी रूटीन, आपको ये जो है प्रॉब्लम होती है आपको यहां पे लॉग ऑन करते वक्त, आप कहते हो कोई मसला नहीं, ये देखें अब आपकी साइन इन देखिएगा, ये ऑथेंटिकेशन आपकी हो गई। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं एक और मजीद चीज आपको क्लियर करूं। आपने कल चाइल्ड डोमेन बनाया, चाइल्ड डोमेन किस नाम से बनाया, एशिया, एशिया डॉट कॉन्टोसो डॉट लोकल, ये देखिएगा यहां पे जाते हैं, जो जो आपने यूपीएन यहाँ पे सेट किए हैं पेरेंट लेवल पे, अगर आप इसमें देखो टूल्स में जाते हैं, टूल्स में अगेन यूजर एंड कंप्यूटर में, या एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर में जिसमें आप जाना चाहो, जिस ऑप्शन को यूज करना चाहो, यहाँ पे भी देखिएगा, ये अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक यूजर है नासिर, ये देखिएगा ये हमारे यूजर बैठे में नासिर, मैं ये चाह रहा हूँ इनको भी इस हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक लॉन्ग यूपीएन नेम इनको टाइप करना पड़ रहा है, एक लॉन्ग यूपीएन नेम इनको टाइप करना पड़ रहा है। अभी जस्ट ये फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर मौजूद है, इसके अंदर फर्दर चाइल्ड बन जाए, उसके अंदर फर्दर चाइल्ड बनते हैं, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है आपको फुल इसका यूपीएन टाइप करना। तो इसका सिंपल वे आउट आपको दे दिया गया,
आप यहाँ पे टूल्स में जाओ, डोमेन एंड ट्रस्ट में जाओ, और डोमेन एंड ट्रस्ट में जाके अभी आपने पेरेंट लेवल पे जो आपने काम किया है, जो आपने कॉन्फ़िगर किया है, वो ये देखिएगा प्रॉपर्टीज में, ये आपको यहाँ पे पॉपुलेटेड मिल रहे हैं। सो फिक्सेस यहाँ पे ऐड हो चुके। अगर यहाँ पे ऐड हो चुके तो नेक्स्ट टाइम नासिर साहब के लिए क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या हमारे पास फैसिलिटीज हैं, वो देखिएगा। मैं यूजर एंड कंप्यूटर में जाता हूँ। नासिर साहब हालांकि एशिया जो उसका चाइल्ड है कॉन्टोसो का, वहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं सिंपल उन यूजर्स को सिलेक्ट करूंगा जिनकी मैंने ये सेटिंग्स यूपीएन कॉन्फ़िगर करना है अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। ये देखो, ये देख रहे हो, ये आपका लॉग ऑन नेम था जिसकी वजह से आप बाउंड थे नासिर एट द रेट एशिया डॉट कॉन्टोसो डॉट लोकल। अगर यहां पर आप देखो बाय डिफॉल्ट ये आ चुका था कल, ये कल मैं आपको शो नहीं कर सका प्रीवियस लैब में, लेकिन ये आपको बता दूं, ये बाय डिफॉल्ट जब ज्वाइन करता है एज ए चाइल्ड पेरेंट को, तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें पॉपुलेटेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम अगर नासिर एट द रेट कॉन्टेस्ट डॉट लोकल भी कर देते तो साइन इन हो जाते, साइन इन हो जाते, मुझे इसको चाइल्ड को यहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं थी, जो कि मैंने कल मुझे मजबूरन देना पड़ा, वो इसलिए देना पड़ा इसकी प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे चेंज करनी थी जो मैंने कल नहीं की थी। आज मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज में आपको बता दिया। अदर देन दिस आप ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नासिर साहब कहते हैं सर मैं सर्विसेज देता हूँ, डॉट नेट मुझे सूट करता है। ओके गुड, ये लो, इतनी सी सिंपल सी बात। और अगर आप यहां पे साइन इन करते हैं जो कि रिसोर्स है किसकी, पेरेंट की, WS1 पेरेंट की ज्वाइन की हुई डिवाइस है, चाइल्ड को तो नहीं ज्वाइन किया क्योंकि टू वे ट्रस्ट बन चुका है। कल मैंने आपको काफी सारी डिटेल बताई थी टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट, इसकी इंशाल्लाह वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आज नहीं तो कल अर्ली टाइम पे, तो इसको देख लीजिएगा चैनल के ऊपर कि पेरेंट एंड चाइल्ड का जो मैंने कल एशिया के नाम से कैसे मैंने कॉन्फ़िगर किया और साइन इन मैंने नासिर साहब को कैसे करवाया था, कल मुझे देना पड़ा था एशिया डॉट कॉन्टोसो डॉट लोकल, लेकिन आज आज देखिएगा मैं नासिर साहब को यहां पे साइन इन करवाता हूं एट द रेट कॉन्टोसो डॉट नेट। ये साइन इन क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि आपने इसके यूपीएन को कॉन्फ़िगर कर दिया इस यूजर के अकाउंट के साथ। एक अच्छी ऑप्शन है यूपीएन को कॉन्फ़िगर करना। कैसे करना, डोमेन इंटरेस्ट में जाके आप पहले अल्टरनेट सफिक्सेस क्रिएट कर लें और फिर उस अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट कर दें। ये हमारा एक छोटा सा सेगमेंट था जो कल की लैब के साथ ही कनेक्टेड था और ये मैंने आपको दिखाना था और अंडरस्टैंड करवाना था। एक अच्छी आपकी ऑप्शन है इन केस ऑफ लॉन्ग यूपीएन वेरिफिकेशन, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप इसको इसके थ्रू भी आप साइन इन कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन आपको अलाउ कर देता है। लेंजी एक सेगमेंट हमारा लैब का जैसा सब कंप्लीट हो गया। यूपीएन का कॉन्सेप्ट जो मैंने कल मिस किया था, यूपीएन यूजर प्रिंसिपल नेम कल का कॉन्सेप्ट, वो मैंने आज इनको पास कर दिया। मेरी ये रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, इसमें आपको फर्स्ट सेगमेंट लैब का जो कल की लैब के साथ कनेक्टेड है यूपीएन, वो मैंने कॉन्सेप्ट इनको पास कर दिया, ठीक है। और ये देखिए नासिर साहब जो कि चाइल्ड के ऊपर उसके मेंबर हैं, तो किस तरह मैंने WS1 जो कि हमारी कॉन्टोसो डॉट लोकल जो पेरेंट डोमेन है इसको ज्वाइन की हुई डिवाइस है, वहां पे साइन इन मैंने करवा दिया, ये आप दिख रहा होगा आपको। और मैंने मेथड क्या यूज किया कल, साइन इन का एक लॉन्ग मेथड मैंने यूज किया था, आज मैंने एक शॉर्ट वर्जन आपको दे दिया यूपीएन। यूपीएन का कॉन्सेप्ट इसको जरूर वॉच कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह लॉन्ग यूपीएन की बजाय आप शॉर्ट वर्जन भी दे सकते हो। ये शॉर्ट वर्जन मैंने आज आपको बता दिया। अब मैं आपको लैब का जो सेकंड सेगमेंट है उसके ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ और ये मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया, मैंने यहाँ पे क्या दिया नासिर, ये एग्जिस्ट करता है यूजर आपके चाइल्ड डोमेन पे, और कल मुझे देना पड़ा था यहाँ पे अगर याद हो मुझे इस तरह इसको देना पड़ा, ठीक है। आज जो मैंने मेथड बताया है उसमें मैंने
इसका यूपीएन क्रिएट किया ऑल्टरनेट वर्जन सुफिक्सिस का और उसको कनेक्ट कर दिया विद कॉन्टोसो डॉट नेट। अब मैं अगर ये भी देता हूं मेरा साइन इन हो रहा है, जैसा ये कैसे हो रहा है इसके ऊपर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ये कैसे हो रहा है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, तो आज हम नेक्स्ट जो सेगमेंट है इसको मैं आपसे शेयर करूंगा। ये हमारे पास लेसन है आज का, हाउ ट्रस्ट वर्क विद ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब है दो डिफरेंट कंपनीज हैं, एक आपको यहां पे हमारे केस में एक कॉन्टोसो कंपनी है, दूसरी एडाटम की कंपनी है। दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, इनके अपना अपना ट्री स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है, दो डिफरेंट फॉरेस्ट हैं। तो मुझे यहाँ पे एज ए क्लाइंट मैं अगर चाह रहा हूँ एशिया डॉट कॉन्टोसो डॉट लोकल पे CL1 एक आपके पास क्लाइंट है, वो अगर जो दूसरा आपका ट्री दूसरा जो फॉरेस्ट है फैब्रिकॉम का है या एडाटम का है, वहां पे कोई फाइल सर्वर पड़ा हुआ है, वहां पे कोई एप्लीकेशन पड़ी हुई, वहां पे कोई फोल्डर पड़ा हुआ है, मुझे उसकी एक्सेस चाहिए, ठीक है, मुझे उसकी एक्सेस चाहिए। अच्छा, ये एक्सेस कैसे मिलेगी? एक चीज याद रखना, पेरेंट एंड चाइल्ड के दरमियान में नो प्रॉब्लम, पेरेंट एंड चाइल्ड के दरमियान में ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है, टू वे होता है, जबकि दो डिफरेंट फॉरेस्ट अगर हो इनके दरमियान में किसी किस्म का ट्रस्ट एस्टैब्लिश नहीं होता। इसी वजह से याद रखिएगा, अली शाह जैन अगर कॉन्टोसो के यूजर हैं और वो एडाटम के किसी रिसोर्स को अगर वो एक्सेस करना चाह रहे हैं या एप्लीकेशन को या किसी प्रिंटर को या स्कैनर को, नहीं कर पाएंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ये ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इसको एस्टैब्लिश नहीं करता। ट्रस्ट कैसे बनता है, वन वे ट्रस्ट कैसे बनता है, टू वे ट्रस्ट कैसे बनता है, और उसकी फॉरेस्ट वाइड आपको जो है वो एक्सेस मिल जाए। फॉरेस्ट वाइड का मतलब है ना सिर्फ पेरेंट के ऊपर बल्कि चाइल्ड लेवल पे भी अगर कोई रिसोर्स पड़ी हुई है उसकी भी आपको एक्सेस मिल जाए, इसे बोलते हैं फॉरेस्ट वाइड एक्सेस, ठीक है। एक होती है सिलेक्टिव एक्सेस, सिलेक्टिव एक्सेस का मतलब है चाइल्ड डोमेन पे एक प्रिंटर है या एक फाइल है या एक फोल्डर है या एप्लीकेशन है, सिर्फ उसकी एक्सेस चाहिए, फॉरेस्ट वाइड नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन की किसी रिसोर्स की एक्सेस चाहिए। इस काइंड ऑफ एक्सेस को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव एक्सेस। एक होती है फॉरेस्ट वाइड एक्सेस, एक होती है सिलेक्टिव एक्सेस। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर लैब में इसकी जब मैं आपको करवाता हूँ उसमें आपको बताता हूँ। ये थोड़ी सी थ्योरी कॉन्सेप्ट है, थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे हमने क्या करना है। वेन यू सेट अप ट्रस्ट बिटवीन डोमेन इधर विद द सेम फॉरेस्ट across forest or within a external realm, information about these trusts such as transitivity and type is stored in Active Directory domain services. A trusted domain object stores this information. The domain object is created and stored in the system container of Active Directory domain service whenever you set up a trust. Ab trust mein create karne ka aapko tarika batata hu. How trust enable user to access resources in a forest? When the user in the domain attempt to access a shared resource in another domain in the forest, the user computer first contacted domain controller in its domain to request a session ticket to the resource. Because the resource is not in the user domain, the domain controller must determine whether a trust exists with the target. Dekho, ye aapko number 2 nazar aa raha hoga datum, number 3 nazar aa raha hoga alag se forest, फैब्रिकॉम फैब्रिकैन, इनका आपस में स्टैब्लिश नहीं है ट्रस्ट। ये जो आपको ब्लैक एरो ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है ये मैन्युअली आपको बनाना पड़ता है, और याद रखना पेरेंट जो कि 2 and 1 है इनका आपस में ट्रांजिटिव ट्रस्ट है, इसी तरह 3 and 4 इनका भी आपस में ट्रांजिटिव ट्रस्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ 1 को 4 की एक्सेस चाहिए, 1 डोमेन के ऊपर एक यूजर बैठे हैं अली शाह जैन या जैद साहब या मुजाहिद साहब, इनको एक एप्लीकेशन है डोमेन जो कि फैब्रिक कैम के अंदर एग्जिस्ट करता है डी के नाम से, इसका एक्सेस चाहिए, यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं या कोई एप्लीकेशन है, इसको रन करना है, इसको प्ले करना है, ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए आपको इसका मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर को 2-way या 1-way ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना पड़ता है। कल को डोमेन नंबर 4 जो कि फैब्रिक कैम का है, इसको एक्सेस चाहिए डोमेन नंबर 1 जो कि एडाटम का है, किसी फाइल का, फोल्डर का, एप्लीकेशन को। तो इस काइंड ऑफ ट्रस्ट को आप जो है वो आप एस्टैब्लिश करोगे, जब एस्टैब्लिश करोगे
तो आपको उसकी एक्सेस मिलेगी। इसमें ये एरो आपको इंडिकेट कर रहा है, ये एक शॉर्टकट ट्रस्ट भी होता है वैसे, कल मैंने इसको थोड़ा डिस्कस किया था, शॉर्टकट ट्रस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। एक चीज याद रखना, एरो हेड की जो डायरेक्शन होती है वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेन नंबर वन ट्रस्ट, डोमेन नंबर 4, दोबारा सुन लो, डोमेन नंबर वन ट्रस्ट, डोमेन नंबर 4, याद रखना, डोमेन नंबर 4 के ऊपर कोई भी यूजर डोमेन नंबर 1 की रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। एरो हेड के बिल्कुल ऑपोजिट आप याद रखना है, एक्सेस डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होती है, एक्सेस डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी आपकी एरो के। दोबारा सुन लो, डोमेन 1 ट्रस्ट डोमेन नंबर 4, एरो हेड की जो आपकी डायरेक्शन है वो किस तरफ है, डी की तरफ, तो याद रखनी है 4 की तरफ। तो 4 का कोई भी ऑब्जेक्ट यूजर वगैरह वो डोमेन नंबर जो 1 है उसकी रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। और इसी तरह अगर आप कहो मुझे 4 को कोई यूजर एक का डोमेन एक का भी कर सकता है कि सिर्फ 4 का एक को कर सकता है? 1 1 ट्रस्ट कर रहा है 4 को, तो 4 का एक्सेस कर सकता है रिसोर्स को, 1 का वन नहीं का कर एक्सेस, सकता, 1 का नहीं कर सकता, उसके लिए स्टैब्लिश करनी पड़ेगी फ्रॉम 4 टूवर्ड्स 1 ट्रस्ट, ठीक है, फोर का फ्रॉम, बाइडायरेक्शनल होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट समझ लो, एक्सेस आपका ओपन होता है। ये बाद का स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये एरो एरो का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट है जो आप 1 4 पे कर रहा है, 1 ओपन हार्ट से ट्रस्ट कर रहा है 4 पे कि 4 का कोई भी बंदा आ जाए मुझे कोई मसला नहीं है, 1 ट्रस्ट कर रहा है 4 पे कि 4 का अलाउ कर दिया गया एक्सेस, ठीक है। अगर मैं कहूं 4 का 1 के ऊपर करना है तो 4 से ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा टूवर्ड्स 1, फिर आप 4 का ट्रस्ट डेवलप करना का टूवर्ड्स 1, फिर आप उसको रीच मिलेगी 1 की टूवर्ड्स 4, ठीक है। अभी क्या होने वाला है, 4 का कोई भी यूजर डोमेन जो 1 है उसकी तरफ आ सकता है, एक्सेस कर सकता है एप्लीकेशंस को, लेकिन अगर आपको मुझे 1 को 4 की चाहिए तो फिर 4 को एस्टैब्लिश करने का ट्रस्ट अपना टूवर्ड्स 1, बस ये याद रखना, डायरेक्शन की जो आपकी होगी एरो हेड की जो डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट आपको ओपन कर देगा, विद फुली ओपन हार्टेड आपको अलाउ कर देगा रिसोर्सेज की परमिशन, ये बस याद रखना, ठीक है। अच्छा, हाउ ट्रस्ट अनेबल यूजर एक्सेस रिसोर्सेज इन द फॉरेस्ट, अच्छा ये देखना, व्हेन द यूजर इन द डोमेन अटेम्प्ट्स टू एक्सेस ए शेयर्ड रिसोर्स इन अदर डोमेन द फॉरेस्ट, द यूजर कंप्यूटर फर्स्ट कॉन्टेक्ट ए डोमेन कंट्रोलर इन इट्स डोमेन रिक्वेस्ट ए सेशन टिकट, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, द डोमेन कंट्रोलर कैन यूज द ट्रस्ट डोमेन ऑब्जेक्ट टू वेरीफाई द ट्रस्ट एग्जिस्ट, क्या ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है। अच्छा ये एक चीज याद रखना, पेरेंट एंड चाइल्ड के दरमियान में ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है, और इसी तरह मैंने आपको बोला था जो पेरेंट होता है या फॉरेस्ट रूट डोमेन होता है वो ट्री ट्री जो डोमेन होता है जो जिसका शेयर उसको एक्वायर कर लेता है या मर्जर होने जा रहा है, तो ट्री डोमेन भी कल जो मैंने आपको बनाना सिखाया था चाइल्ड के साथ ट्री भी था, उसका भी ऑटोमेटिकली जो ट्रस्ट होता है वो क्या होता है, टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है, टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है। लेकिन अगर दो कंपनीज अलग अलग कंपनीज हैं अलग अलग फॉरेस्ट हैं तो इनका जो ट्रस्ट होता है 1 वे या 2 वे आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मतलब क्या है, एडाटम का कोई यूजर कॉन्टोसो पे या कॉन्टोसो का यूजर एडाटम पे वर्किंग करना चाह रहा है रिसोर्सेज तक आना चाह रहा है, अब ये नहीं होना कि आपने एडाटम का यूजर कॉन्टोसो में बनाओ, कॉन्टोसा का यूजर एडाटम में बनाओ, फिर परमिशन दो, फिर उसको एक्सेस मिले, फिर वो काम करे। अगर 100 यूजर हैं तो ये तो कोई तुक नहीं बनता, दो कंपनीज की आपस में एग्रीमेंट साइन हो गया कि अकाउंट्स की टीम आने वाली है कॉन्टोसो की एडाटम पे, तो यूजर ऑलरेडी बने हुए हैं कॉन्टोसो के अंदर, तो आप क्यों नहीं उसका ट्रस्ट बना लेते, ट्रस्ट बना के दोबारा से आपको रिपीट नहीं पड़े करना पड़ेगा, क्या दोबारा से यूजर क्रिएट करने बैठ जाओ 100 के 100, जरूरत ही कोई नहीं, आप उसको सिलेक्टिव एक्सेस भी दे सकते हो, उसको फुल फॉरेस्ट वाइड एक्सेस भी दे सकते हो, जिस तरह एक आम यूजर को उसकी फॉरेस्ट के अंदर मिल जाती है तो दूसरे फॉरेस्ट के भी यूजर को तो है वो फर्स्ट फॉरेस्ट की एक्सेस मिल जाएगी, आपको दोबारा से क्रिएट करने की आइडेंटिटीज को ऑब्जेक्ट्स को यूजर को अकाउंट को जरूरत नहीं। अच्छा, इसके लिए जो आपकी लैब है, लैब के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मेन टू एक्शंस आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, वो एक्शंस क्या हैं, ये जिस तरह आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा दो डिफरेंट कंपनीज हैं, एक कंपनी का नाम है
टेल्स पेन टॉयज और एक का नाम है वाइल्ड वर्ल्ड इंपोर्टर्स, ठीक है। दो अलग अलग कंपनीज हैं, दोनों की अपने अपने फॉरेस्ट हैं, उनके पेरेंट एंड चाइल्ड के दरमियान में आपको टू वे ब्लैक आपका सॉलिड लाइन के साथ यहां पे दिख रहा है, ये टू वे ट्रस्ट आपका एस्टैब्लिश है। लेकिन ये डैशेस के साथ आपको ए फॉरेस्ट वाइड इज वन वे और टू वे ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेस्ट रूट डोमेन्स और टू फॉरेस्ट, और ये जो डैशेस के साथ आपको ये बता रहा है ये मैन्युअली आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो यही हमने लैब करनी है, क्योंकि हमने पेरेंट एंड चाइल्ड के दरमियान में तो कल करके देख लिया कि हमें ये फटीक जो है फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन अब हमें एक्स्ट्रा फटीक डालनी पड़ेगी कि ये ट्रस्ट जब तक नहीं बनेंगे तो आपके पास दूसरा वे ये है, वो 100 यूजर आ रहे हैं ना, कोई मसला नहीं, जो एडाटम वाला है वो उतने 100 यूजर दोबारा से क्रिएट कर ले, नए अकाउंट बना ले, ठीक है। ये कोई तुक नहीं बनता। तो जब आपका इस तरह का सीन होता है तो आप ट्रस्ट इसका मैन्युअली क्रिएट करते हो। कैसे करते हो? इसके लिए आपको रूट एस्टैब्लिश करना पड़ता है। आपको डीएनएस मैनेजर में जाके आपको एक रूट बनाना पड़ेगा, एक्सेस रूट देना पड़ेगा। आपको पता है जो डीएनएस मैनेजर है वो क्या कर रहा होता है? रिजॉल्व कर रहा होता है किसको? नेम इंटू आईपी और वाइस वर्सा, आईपी इंटू नेम। ये मैंने बहुत दफा बता दिया है कि आपको टोटली रिजॉल्व करने का जो मैटर है वो किसके पास है? डीएनएस मैनेजर के पास। तो डीएनएस मैनेजर हमारे पास एक रोल है जो कि हमने अभी आपको मैं दिखाऊंगा दोबारा से, आज डीएनएस मैनेजर को एक और एंगल से एक्सप्लोर करेंगे। तो इसका मतलब है डीएनएस मैनेजर यूज होगा, मकसद क्या होगा? टू एस्टैब्लिश मेंटेन एंड एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें ट्रस्ट रिलेशनशिप के लिए आपको ये रूट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, वन वे हो या टू वे हो। आपको ये एस्टैब्लिश कैसे करते हैं वो आपको बताता हूं। फॉरेस्ट ट्रस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट, क्या बेनिफिट मिलते हैं? सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सिस अक्रॉस टू विंडोज सर्वर्स ऑन न्यू वर्जन फॉरेस्ट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एक्सटर्नल ट्रस्ट नेसेसरी टू शेयर रिसोर्सिस, कंप्लीट टू वे ट्रस्ट रिलेशनशिप विद एवरी डोमेन इन ईच फॉरेस्ट, use UPN authentication across to forest and to improve trustworthiness of authorization data that is transferred between forest, flexibility of administrator task can be unique to each forest. ab ye kaise hoga between two forest? you can create forest trust only between two active directory domain services forest, you cannot extend the trust implicitly with third forest. yaad rakhna agar इसमें थर्ड फॉरेस्ट भी है ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होता, आपको अलग से दो फॉरेस्ट को नए सिरे से मैन्युअली ट्रस्ट आपको बनाना पड़ेगा। मतलब क्या? मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दूं कि ये टेल पिन टॉयज ट्रस्ट कर रहा है, अगर मैं बना देता हूं ट्रस्ट मैन्युअली वर्ल्ड वाइड का, ये आगे फर्दर कॉन्टेस्ट होकर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि टेल पिन टॉयज ट्रांजिटिव ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कॉन्टेस्ट के साथ। नहीं, कॉन्टोसो के साथ टेल पिन टॉयज को अलग से ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ये इस तरह नहीं होता ट्रांजिटिव जिसका पेरेंट एंड चाइल्ड के दरमियान में होता है, सिर्फ ये पॉइंट बताने का था। अच्छा जी, जैसे कि इसकी डिटेल आपको यहां पे दिख रही है और लैब के अगले सेशन में हम प्रैक्टिकल करेंगे, हमारे पास 5 मिनट्स हैं मजीद एक्सप्लेन करने के लिए। यू कैन क्रिएट फॉरेस्ट ट्रस्ट ऑनली बिटवीन टू एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट, यू कैन नॉट एक्सटेंड द trust implicitly to third forest. This means that if you create a forest trust between forest 1 and forest 2, you create a forest trust between forest 2 and 3. Forest 1 does not have implicit trust with forest 3. आपको अलग से बनाना पड़ेगा. Forest trusts are not transitive between multiple forests. ये मैंने आपको main चीज इसकी जो share करनी थी. Theoretically हमने almost done कर लिया है. अब इसको practically मैं अभी आपको बताता हूँ. जब आप कॉन्फ़िगर करते हो ट्रस्ट को तो इसमें दो तरह के आपके ट्रस्ट होते हैं, सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन, इसको जरा समझ लो फिर मैं आपकी लैब के, हमारे पास 5-7 मिनट हैं, मजीद थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट ले लो, अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह ताला इसकी लैब हम एग्जीक्यूट कर देंगे। व्हेन यू क्रिएट एन एक्सटर्नल ट्रस्ट और फॉरेस्ट ट्रस्ट यू कैन मैनेज द स्कोप ऑफ ऑथेंटिकेशन और ट्रस्टेड सिक्योरिटी प्रिंसिपल। देर आर टू मॉड्स फॉरेस्ट ट्रस्ट के या एक्सटर्नल ट्रस्ट के, दो मॉड्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है डोमेन वाइड और एक होता है सिलेक्टिव। डोमेन वाइड भी कह सकते हो या फॉरेस्ट वाइड भी कह सकते हो। अभी आपको बताता हूं इसके बारे में क्या है सीन।
Choosing domain wide or forest wide authentication enables all trusted user to authenticate for services and access on all computer in the trusting domain. Therefore, trusted user can be given permission to access resources anywhere in the trusted domain. If you use the authentication mode, all user from trusted domain or forest are considered authenticated user. और ये याद रखना, जिस तरह आप Qantas में मुजाहिद साहब हैं, जैद साहब हैं, अली साहब हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, आप authenticated user हो, उस specific domain के authenticated user हो. अगर आप इसको forest wide authentication second forest के ऊपर on कर दो, selective नहीं, मैं बोल रहा हूँ forest wide, तो आप Qantas के यूजर होने के बावजूद जो एडाटा में आपका सेकंड फॉरेस्ट है वहां पे भी ऑथेंटिकेशन आपकी हो जाएगी उन रिसोर्सेज तक. आप वहां पे जाके शेयरिंग ऑन करो, उसके अंदर आप एज ए मेंबर, आपको सिक्योरिटी मेंबर के तौर पे आप ऐड करवा सकते हैं, आपको करवा सकते हो, ग्रुप को करवा सकते हो, गो के आप दूसरे फॉरेस्ट से बिलोंग करते हो. उस काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन को क्या बोलते हैं, डोमेन वाइड एंड फॉरेस्ट वाइड. सिलेक्टिव में याद रखना, अच्छा सिर्फ ये नहीं कि रूट डोमेन को, उसके अंदर चाइल्ड है, एडेटम का चाइल्ड है, उसके आगे चाइल्ड है, उसके आगे चाइल्ड है, वहां कोई रिसोर्स की एक्सेस चाहिए, मसला है कोई नहीं. आप फॉरेस्ट वाइड जब आपने ऑथेंटिकेशन ऑन कर दी ट्रस्ट रिलेशनशिप में, तो मसला है कोई नहीं, आप किसी भी जगह पे जाके इस रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हो. जस्ट आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाके शेयरिंग ऑन करो, और एप्लीकेशन हो चाहे फोल्डर हो चाहे वो फाइल हो, ऑथेंटिकेशन ऑन करो, और दूसरा उसके अंदर सिक्योरिटी टैब में रीड की, राइट की, जो भी आपको परमिशन चाहिए वो ऑन करो. आपको फॉरेस्ट वाइड चूंकि आपने ऑथेंटिकेशन अवेलेबल कर दी तो मसला ही कोई नहीं. लेकिन अगर आपने इसको सिलेक्टिव करा तो सिलेक्टिव में थोड़ी सी आपको जो है वो मोर सिक्योरिटीज जो आपकी वो, फॉर एग्जांपल ये आपको बताया गया, इमेजिन दैट यू हैव एक्सटर्नल ट्रस्ट विद ए पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन डोमेन. यू वॉन्ट टू इंश्योर दैट ओनली यूजर्स फ्रॉम पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग ग्रुप, सिर्फ मार्केटिंग ग्रुप कैन एक्सेस शेयर्ड फोल्डर ऑन ओनली वन ऑफ द मेनी फाइल सर्वर्स. ठीक है, एट ए टाइम में आप कोई 10 सर्वर लगे हुए, आप किसी एक सर्वर के लिए सिर्फ आपको अलाउ करेगा. यू कैन कॉन्फ़िगर, इस सिलसिले में क्या करना पड़ेगा आपको, यू कैन कॉन्फ़िगर सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन. फिर फॉरेस्ट वाइड नहीं होगा बल्कि रिलेशनशिप काइंड ऑफ क्या होगी, ऑथेंटिकेशन फॉर द ट्रस्ट रिलेशन सिलेक्टिव. मैं अभी आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कुछ आपको थ्रेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और नहीं हुआ तो प्रैक्टिकली आपको हो जाएगा. यूपीएन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ये बता, और ये कहां पे होता है, एक्टिव डायरेक्टली डोमेन ट्रस्ट में. कल भी मैंने आपको पेरेंट चाइल्ड का ट्रस्ट दिखाया था ना, वो यहीं पे दिखाया था. यहीं पे जाएंगे, अब दोबारा यहीं पे जाएंगे और एक नया ट्रस्ट एस्टैब्लिश करेंगे. लेकिन इस ऑप्शन में जाने से पहले, नया ट्रस्ट क्रिएट करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा. ये डेमो है इसका, आपको क्या करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर करने के लिए फॉरेस्ट ट्रस्ट को. हमारे पास 5 मिनट हैं, ये लास्ट हमारे फ्यू लाइंस हैं, इसको देख लो. मैं इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगा आपको लैब के साथ अगले सेशन में. ये देखिएगा, आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, डीएनएस पे जाके आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कंडीशनल फॉरवर्डर. इससे रूट एस्टैब्लिश होगा बिटवीन टू सर्वर्स, आपको रूट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. अगर ये नहीं करोगे कभी भी आपकी इस ऑप्शन में जाकर ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा. ये एक ऑप्शन है जहां पे आपने कल व्यू किया था पेरेंट एंड चाइल्ड को, आज न्यू ट्रस्ट आपको क्रिएट करने के लिए आपको इसी ऑप्शन में जाना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले आपको डीएनएस मैनेजर में जाना है, वहां पे कंडीशनल फॉरवर्डर में Qantas का रूट सेट करना है विद एडेटम सेकंड फॉरेस्ट. ये कैसे होगा अभी बताता हूं. लैब का पहला सेगमेंट होगा कंडीशनल फॉरवर्डर सेट करना, लैब का सेकंड सेगमेंट होगा कॉन्फ़िगर करना टू वे फॉरेस्ट वाइड या सिलेक्टिव. सिलेक्टिव फॉर दिस सेक ऑफ सिंपल सिंप्लिसिटी ऑफ लैब, मैं सिलेक्टिव नहीं करवाऊंगा, मैं फॉरेस्ट वाइड आपको करवा दूंगा. सिलेक्टिव में भी आप मजीद आपको सिक्योरिटी टैब्स जाके आप ग्लोबल ग्रुप में डाल के उसको फर्दर आपको ऐड करवाना पड़ेगा उस रिसोर्स के ऊपर. फोल्डर है, फाइल है, आपका फाइल सर्वर है, जो भी है, थोड़ी सी आपको एफर्ट एक्स्ट्रा पुट करनी पड़ेगी. मैं फॉरेस्ट वाइड की लैब आपको बता देता हूँ, सिलेक्टिव फॉरेस्ट के ऊपर आप फर्दर इसको लैब को हम देख सकते हैं.
अच्छा अभी हमने दो काम करने हैं, एक कंडीशनल फॉरवर्ड कोड देखते हैं डीएनएस मैनेजर में जाके, और दूसरा फिर एक्टिव डायरेक्टरी यहां पे हमने जाना है और एस्टैब्लिश करना है, वन वे करना है टू वे करना है। हमारे इस पर करंट सिनेरियो में कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, एक कॉन्टेसो है दूसरा एडेटम है, ठीक है ये हम करते हैं। ये हमारा सीन है, ये पिक्चर है करंटली जो आपको ऊपर ये नजर आ रही है ब्राउन कलर में रेड कलर में फॉरेस्टर्स, ये एडमिनिस्ट्रेटर खुद से एस्टैब्लिश करेगा, यही मैंने आपको करके दिखाना है। दो फॉरेस्ट हैं, सर्वर आपका ये 10 यहां पे नजर आ रहा है, ये 10 वैल्यू फाइल सर्वर, और ये यूजर वन ने वर्क स्टेशन वन पे बैठा साइन इन करने गया। दो मिनट्स हैं ये सुन लो इसको। यूजर वन ने वर्क स्टेशन के ऊपर सेटिंग की, यहाँ पे यूजर नेम दे के पासवर्ड वगैरह दे के इसको एक्सेस चाहिए 10th लेवल पे जो फाइल सर्वर की। लेकिन स्टेप्स देखो क्या होंगे, ये चाइल्ड डोमेन पे एग्जिस्ट करता है, सबसे पहले 2 नंबर देखो अपने चाइल्ड जो अपना जो इसका डोमेन कंट्रोलर है उस पर गया, वहां पे ग्लोबल कैटालॉग से वेरीफाई किया अकाउंट वगैरह, करने के बाद 4th स्टेप में क्या हुआ इस मशीन पे आया, इस मशीन से फर्दर इसने कहाँ पे किया अपने, चूंकि इसकी डायरेक्ट तो रीच वहां तक नहीं थी, फाइल सर्वर वन पे डायरेक्ट रीच तो नहीं थी, ये कहाँ जाएगा अपने जो रूट सर्वर पे अपने पेरेंट के पास, ये देख रहे हो 5 नंबर अपने पेरेंट पे पास गया, और पेरेंट ने आगे इन्फॉर्म किया कि ट्रस्ट मेरा बन चुका है, तो ट्रस्ट स्टैब्लिश हो चुका है। अब 6 नंबर पे ये देखो किधर जा रहा है, सेकेंड फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, और 6 नंबर पे इसने चूंकि ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो गया, इसने अपने ग्लोबल कैटलॉग से वेरीफाई किया कि वाकई है बिल्कुल है, 8th नंबर पे टोकन आया कि ठीक है जी हमारे पास है, तो अब 9th नंबर पे क्या हुआ उसके आगे चाइल्ड डोमेन की तरफ गया, ये वर्क स्टेशन नंबर 1 पे यूजर 1 उसके चाइल्ड डोमेन जो DC2 है वहां पे गया, और वहां से फिर उसने एक्सेस मिली अपने सर्वर की तरफ, उसने कहा ठीक है जी आपको अलाउ करते हैं, तब आप कम्युनिकेट होगे नंबर स्टेप नंबर 10 पे। ये आपको जो इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है उम्मीद है समझ आई होगी, ठीक है। तो ये अब हम लैब करने जा रहे हैं, अगले सेगमेंट में आपके साथ मैं लैब के लिए मिलता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू।